अभी मैं हूँ दोस्तों सेक्टर 4 में, ये बाहर का सेक्टर 2 से रोड सीधा आते हैं वो वाला चौक, और ये पूरा लाइटों सजे हुए देख सकते हैं। मोर पैर लाइट जगमगा रहे हैं पूरा, और राइट साइड में मंदिर भी है। और यहाँ से अंदर एग्जिट के लिए है, सॉरी एंट्री के लिए। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का स्वर्ग नरक वाले थीम पर बना हुआ पंडाल। तो देखो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त सजाया हुआ है, या बीच में झूमर भी है देख सकते हो, बहुत प्यारा बना हुआ है। आओ चलिए आगे बढ़ते और दिखाते हैं यहाँ का पंडाल किस प्रकार बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखो, और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत वाइब मिल गया होगा पंडाल किस प्रकार बना हुआ उनका। चलिए पास चलकर दिखाते हैं हम आपको, और देखो तो ये दोस्तों यहाँ का पंडाल जो कि किस प्रकार आपको पता चल गया होगा, और ये समितियों के नाम यहाँ पर देखो पंडाल, बहुत सारे किरदार वगैरह यहाँ पर, और ये मैन फेस जो कि राक्षस का ऐसा लग रहा है, आग इनके जल रहे रंग बिरंगे कलरों से कुछ इस प्रकार है देख सकते हो। यहाँ से बना हुआ अपरिचित लोकदंड गुरुण पुराण, पहले इसका दोस्तों हम वाइब देते हैं देख सकते हो किस प्रकार है। तो यहाँ से दोस्तों अपरिचित दंड लोकदंड गुरु पुराण से, और यहाँ पे देखो भाई लोग टीका लगा रहे हैं, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर आग बने हुए बहुत जबरदस्त, और इनका आग बने हुए देखो दोस्तों भाई लोग टीका लगा किस प्रकार लगे हमें भी नहीं दिख रहा, थोड़ी देर में देखकर बताएंगे आपको। और ये दोस्तों फेस मैन जो कि स्वर्ग नर का बना हुआ जो कि मैन हेड बना है देख सकते हो ढांचा, और इस साइड कुछ किरदार बने हुए ऋषि मुनि और एक राजा टाइप में, और ये समितियों के सदस्यगण यहाँ से दोस्तों अंदर इंटर करेंगे। तो चलो दोस्तों चलते ही यहाँ से दिखाते हैं देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों बहुत जबरदस्त यहाँ पर पंडाल बने हुए जो कि देख सकते हैं टोकरी से बना हुआ है, गुफा टाइप में थीम बना हुआ है, देखते हैं इस साइड से देखो बहुत जबरदस्त भाई देख सकते हो, पूरा स्वर्ग और नर पहले नर्क को दिखाया जाएगा देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ आते हैं हम लुटेरा का, मतलब जो का इस प्रकार काम करते हैं उनके लिए, मतलब जो गलत काम कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए है, और इसका दंड किस प्रकार है वो नेक्स्ट और देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों गौ माता की हत्या करते हैं उनके, देखिए पूरा चलित झांकी है दोस्तों जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और बैकग्राउंड में दोस्तों साउंड चल रहा, अगर कॉपीराइट आता है तो साउंड डाल देंगे हम आपको, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और देखो ये किस प्रकार हाथ हिला रहे हैं जो कि नेतागिरी है, जो कि गलत वादे कर मतलब मुकर जाते, मतलब वादे करके मुकर जाते, काम पूरा नहीं करते उनके, मतलब धोखा देने वाला नेता द्वारा आम जनता को धोखा देना कुछ इस प्रकार नाम दिया हो देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखो भाई अपहरण एवं बलात्कार, मतलब जो ये सब दोस्तों काफी ज्यादा कांड हो रहा है, ऐसा कुछ दोस्तों बढ़ावा हो रहा है इतना ज्यादा, उसके लिए दंड क्या रहेगा ये सब डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट और जाएंगे दोस्तों तो देखेंगे इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो शिव भक्ति करना जो कि देवी देवताओं को पूछते हैं दोस्तों, उनके लिए कुछ अलग हो रहेगा स्वर्ग में, और ये दोस्तों नर्क का मतलब इनका दंड रहेगा दोस्तों, दंड आगे दिखाएंगे क्या मिलेगा इसके दंड। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए देखो दोस्तों एक मृत व्यक्ति का शव है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अच्छा बुरा कर्म कर आखिरकार मर गया, मतलब दोस्तों परम सत्य है मरना, तो दोस्तों काम अच्छा करो या बुरा मरना तो सबको ही है वो जिस प्रकार बताया गया है। और ये देखो जो कि इनकी आत्मा को खींच कर ले जा रहे हैं यमदूत, और कुछ महिलाएं शायद भूत है यमदूत वगैरह, ये लिखा है देखो आत्मा को यमदूत ले जाते हुए। आगे बढ़ते हैं, ये देखो दोस्तों यमराज का वाहन है, वहाँ यमराज जी और गुप्तचर देख सकते हो किस प्रकार है दोस्तों, बहुत प्यारा बना हुआ भाई बहुत गजब। और यहाँ पर लिखा दोस्तों आत्मा उड़ते जाते हुए, यहाँ पर लिखा है नरक लोक, अंदर चलते हैं यहाँ से दिखाते हैं हम आपको किस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों इस साइड चलते हैं, गुफा दिखाते हैं, बहुत जबरदस्त यहाँ पर काम हुआ है। देखिए देखो दोस्तों अश्रित राम जो नाम जो दिया हो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा किस प्रकार दिया हो, लाइट उसी में इस वजह से अच्छा दिख नहीं पा रहा है, और पूरा जेल बनाए हुए देख सकते हैं आप, और पूरा आरी से काट रहे हैं हम दो दोस्तों, ये है उनका। आगे बढ़ते हैं, देखिए देखो दोस्तों ये हम दूध पूरा नाम दिया दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए ना क्या
क्या लिखा अच्छे से वो भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन कुछ आता है। हम इसको बता दें दोस्तों कि यमदूत जो है आयतार में और इंसान जो गलत काम करते हैं उनको इस प्रकार मगर से कटवा रहे हैं। चलिए आगे, मगर और इनके बॉडी में चोंक लगा हुआ है और इसको क्या बोलते पता है, चोंक आप समझ के होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस साइड दिखाते हैं एक एक पूरा दोस्तों इनको यमदूत को द्वारा देखो, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दोस्तों, और बहुत सारे साउंड भी आ रहे हैं बैकग्राउंड से, देख सकते हैं। ये दोस्तों इनको घूर रहे, पूरा रोस्ट कर रहे हैं जो गलत काम करते हैं उनको। और यहाँ पर लिखा हुआ इनका क्या लिखा है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं हम, और क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सर तो बहुत सारे साउंड लगे तो दिक्कत हो रहा है, मतलब बताना हमारा आवाज़ आपके पास आ रहा है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पर देखो दोस्तों सभी के पापों का पूरा नाम फुल डिटेलिंग के साथ दिया हुआ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये देखो कि राक्षस किस प्रकार ये दोनों इंसान हैं दोस्तों, और इनको इस प्रकार कुचला जा रहा है, वहाँ दंड देते हुए इस प्रकार बनाया गया, देख सकते हो आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त बना दोस्तों झाँकी यहाँ पर। यहाँ पर देखो दोस्तों जो कि जो गलत काम कर रहे थे इंसान जो नर्क में जाने के बाद दोस्तों देखो गन्ने वाले मशीन में पूरा उनको क्या बोले, गन्ने वाले जो मशीन रहता है उस पर इनका पिसाई कर रहा है, इनका खून देखो किस प्रकार बह रहा है दोस्तों, रक्त बना हुआ है। और यहाँ पर देखो इनका पूरा नाम दिया हुआ, मतलब कारनामा, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या देखने को मिलता है दिखाते हैं। हाँ ये देखो दोस्तों एक महिला को यमदूत द्वारा खोला जा रहा है, देख सकते तेल की कढ़ाई में खोला जा रहा है, देख सकते हो दोस्तों। गलत बुरे काम कारनामे करने पर ये सभी दंड दिए जाते हैं, कुछ इस प्रकार बना हुआ है नरक में। आप चलते दोस्तों स्वर्ग लोक में क्या है कैसा है। पहले यहाँ पर एक चुरेटिन ने क्या बोलते परेतिन जो भी डायन है वो देखो इनका फेस दोस्तों अपने हाथ में रखी हुई डायन, इनका नाम तो नहीं दिए हुए। आगे बढ़ते हैं, और अभी भी वर्क चल रहे हैं, देख सकते हैं अंकल जी कुछ काट रहे हैं। ये दोस्तों स्वर्ग लोग स्वर्ग इंद्र के अफसर आए हैं जो डांस कर रहे हैं, देख सकते हो चलित झाकी के रूप में, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे देवगण हैं जो कि देख सकते हो, और इंद्रदेव भी है वहाँ पर स्वर्ग लोग के जो कि अपने सिंहासन पर विराजमान। और यहाँ पर दोस्तों वाटरफॉल बना हुआ है, देख सकते हो ये है वाटरफॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस साइड दिखा दें हम आपको। चलिए बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त है हुआ यहाँ पर। और इस प्रकार का झाँकी दोस्तों दो तीन साल पहले देखने को मिला हुआ था, और इससे पहले रायपुर गुड़ियाली में भी था, तो बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिलता। चलिए आगे बढ़ते और माता रानी का दर्शन कराते। तो ये दोस्तों आगे जाने का रास्ता, इधर से पूरा आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तो क्या क्या लिखा हुआ आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये परिचित किरदार के फोटो दिए गए हैं। अब चलते हैं माँ जगत जननी का दोस्तों दर्शन करने। तो पहले हम आपको पंडाल दिखाते हैं, यहाँ का पंडाल कुछ यूनिक तरीके से रहता है दोस्तों, क्योंकि देखो बहुत ज़बरदस्त पंडाल बना हुआ है, अच्छे लग रहे हैं। तो पहले इनका व्यू देते हैं, देखो देख सकते हो। तो चलिए माता रानी का दर्शन कराते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, माता रानी के घर बैठा आप दर्शन कीजिए, बहुत प्यारी माता रानी विराजमान है, देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई, देख सकते हैं माता रानी जो कि सिंहासन अपने सिंह पर विराजमान बैठी माता रानी, जो बहुत प्यारी लग रही है। तो आप दोस्तों अभी सभी का जो कुछ भी मनोकामना आप घर बैठे माता रानी से मांग सकते हैं, आप घर बैठे माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको इन्हें सीमेंटी छोड़ देते हैं। निकल गए, यहाँ पर एक मंदिर है जो कि हम भी दोस्तों और जाना है तो अभी दर्शन नहीं करते, फिर जब आएंगे तो यहाँ पर दर्शन करेंगे।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का नया व्लॉग वीडियो दोस्तों? यहाँ का स्वर्ग नर्क वाला पंडाल अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करेगा। वीडियो में नया आते दोस्तों चैनल विजिट कर दो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और ऐसे भी वीडियो दोस्तों हम बनाते रहते हैं बहुत जल्दी से किसी नेक्स्ट नेटवर्क में। मंत्र जय हिंद, वंदे मातरम।